वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी के फेस वन का आखिरी दिन था एग्ज़ाम का। आज 25 अगस्त 2022 को तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले शिफ्ट जो होगी उसका भी एनालिसिस किया जाएगा, तो फेस टू का एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा उसके एनालिसिस फिर उस वक्त होगी। तब तक आप पिछले जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप डी के इन सभी क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और वहां पर जो है पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है वो देखेंगे। देखिए, 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 9 ओम है, सबका ये ध्यान रखना है, 9 ओम है और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका समतुल्य प्रतिरोध पूछा है, तो हमने आपको बताया था समतुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 3 प्रतिरोध है यहाँ पर। अब तीनों का मान यहाँ पर 9 दिया इन्होंने, ठीक है, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करेंगे, ठीक है। तो हमको एलसीएम आ गया 9, ऊपर हो गया 3, 3/9 यानी 1/3 ये हमको मिला। 1/R इज इक्वल टू 1/3 मिला, तो R इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन जो है वो कहाँ पर होगा, तो आंसर होगा मुंबई। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ध्यान रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है, ये किसके लिए होता है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेस्ले इंडिया ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की है, तो ये पंजाब में की है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखिए, काल बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी पूछा गया है, तो आंसर होगा पंजाब। उसके बाद पूछा गया है कि किस पैरा एथलीट को भारत में पहली बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, यानी ऐसे पैरा एथलीट कभी नहीं हुए थे जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, ऐसे ये पहले पैरा एथलीट है, नाम है देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई थी 10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दी गई थी 18 सेंटीमीटर, तो पूछा गया था कि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब यानी कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और इसमें फोकस दूरी आप सबको पता है कि इधर होती है यानी धनात्मक होती है, तो हम फोकस दूरी यानी एफ जो है वो +10 लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा इस तरफ होता है, तो मान लीजिए कि वस्तु जो 18 सेंटीमीटर पर अगर रखा हुआ है तो वस्तु को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और ये हमको माइनस में होगा क्योंकि इस तरफ है, ठीक है, तो -18 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा दर्पण में वी हमको निकालना है कि प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर, वी बराबर क्या होगा, ठीक है, तो 1/V - 1/U = 1/F होता है। अब ये इस फॉर्मूले से हम अगर निकालते हैं तो हमको 1/V निकालना है, तो 1/V = ये 1/U प्लस में आ जाएगा इधर, ठीक है, तो 1/F प्लस 1/U हो जाएगा, और 1/F प्लस 1/U जब हम निकालेंगे तो हमको यहाँ एक बार आ गया 1/10 और ये है 1/18, ठीक है। 10 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 10 और 18 का जो एलसीएम होगा तो एलसीएम 90 हो गया। अब एलसीएम 90 हो गया तो 90 के बाद अब हमको क्या करना है, 1/10 है प्लस 1/18 है, तो 10 से 9 बार में तो ऊपर 9 हो गया, 18 से 5 बार में तो ऊपर में 5 हो गया, तो 14/90 जो है हमको प्राप्त क्या हुआ, ये जो हमको मिला है 14/90 ये 1/V मिला, 1/V इज इक्वल टू 14/90, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और ये पॉजिटिव हमको मिल रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव मिल रहा है, इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है u की वैल्यू, सॉरी ये u की वैल्यू जो है यहाँ पर हमको निगेटिव है, 1/V - 1/U = 1/F होता है, लेकिन 1/F प्लस 1/U जो हुआ है तो हमको u की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, तो u की वैल्यू जब हम यहाँ निगेटिव करेंगे तो 10 - 18 हो जाएगा, 1/10 - 1/18 होगा, जो कि यहाँ पर 9 - 5 होगा यानी 4/90 होगा, ठीक है, 4/90 का मतलब 2/45 होगा,
ठीक है, 2x45 होगा, और इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे 2x45 को किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको कर दीजिए 4x90, 1/v इज इक्वल टू 2/45। अब 2v इज इक्वल टू 45, वी इज इक्वल टू 45/2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 45/2 आया, और 45/2 जब आया तो हमको पता लगा ये 2×22.5 आता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ निगेटिव था u, f जो है वो पॉजिटिव था, तो f हमको पहले से मालूम था 1/10, और ये f की वैल्यू 10 दी गई थी, और यहाँ पर जो माइनस साइन था तो ये प्लस साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, तो 1/10 में से 1/18 को हमने लेस किया। एलसीएम लेने के बाद 9 में से 5 गया तो 4/90 हमको मिलेगा, और इसको जब हम 1/v इज इक्वल टू 4/90 आया तो वो 2/45 हुआ, और v बराबर हो जाएगा 45/2, तो 45/2 का मतलब 22.5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वस्तु की दूरी जो है यहाँ से 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, ठीक है, यानी इस तरफ बनेगी, और पॉजिटिव बन रही है तो इस तरफ बनेगी। नेक्स्ट देखिए, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से आपको बनाना होगा। अवतल दर्पण में पूछा गया कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि जो प्रतिबिंब है छोटा और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि जो प्रतिबिंब है छोटा और उल्टा बनेगा। देखिए अवतल दर्पण के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति है जहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, और वो है कि फोकस, जो फोकस है और ध्रुव के बीच में अगर उसको रखा जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच अगर उसको रखा जाएगा तो वो सीधा बनेगा, बाकी जितनी भी स्थिति होगी उसमें उल्टा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि कितना छोटा, क्या इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि दर्पण के पीछे, दर्पण से पहले, किस जगह पर, वो एक्चुअली यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है। या तो यहाँ पर पूछा होगा कि प्रतिबिंब सीधा और जो है वो छोटा बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा, ऐसा पूछे तो फिर केवल एक ही स्थिति है जो हमने बताया कि वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित होगा, तो अवतल दर्पण के अंदर। बाकी अवतल दर्पण में जितनी भी स्थिति है उन सब स्थिति में प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इनमें किसकी संयोजकता ज़्यादा होती है? लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऐसा कुछ दिया गया था, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। पुडुचेरी और तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी का नाम पूछा गया है, AIADMK होता है, और प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में इसको जोड़ा गया। इसके बाद अक्रिय गैस पूछा गया, इनर्ट गैस आवर्त सारणी के किस ग्रुप को कहते हैं, यानी किस ग्रुप में है? तो ग्रुप 18 जो है वो इनर्ट गैस कहलाता है। बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाया जाता है? बंगाल टाइगर है वो किस वन में पाया जाता है? मैंग्रोव वन में पाया जाता है। किस भारतीय भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दी है? तो आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। भूमध्य रेखा के ऊपर डोलड्रम हवाओं का दबाव कैसा रहता है? तो वहाँ जो दबाव है वो लो होता है, निम्न दबाव रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो है वो सेकेंड शिफ्ट से है, कार्बन का अपरूप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन में ग्रेफाइट दिया गया था। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है। रोवर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। इसके बाद देखिए भारत में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है? बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है, यहाँ पर बहुत सारे दल हैं इसलिए बहुदलीय है। लंबी मूंछों वाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद सवाल है RBI के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की जो थीम है वो क्या थी? गो डिजिटल गो सिक्योर। RBI ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया और उसकी जो थीम थी गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? यानी बच्चे का या व्यक्ति जो जो बच्चा मनुष्य जो पैदा होता है मनुष्य, तो उसका लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर निर्भर करता है? तो देखिए XY गुणसूत्र जो है वो पिता का गुणसूत्र होता है और इसी पर निर्भर करता है कि बच्चा जो है वो पुरुष होगा या महिला, जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल,
ये किस पर डिपेंड करता है? एक्स वाई गुणसूत्र पर, जो कि पिता के अंदर होता है, और महिला जो माता है उसके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो इस पर तो डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इससे एक्स आएगा तभी जो है वो बनेगा, और वाई आएगा तभी फिर जो है वो पुरुष बनेगा। तो इसको डिपेंड करने के लिए पिता का जो है गुणसूत्र निर्भर करता है, और वो है एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 243 बी किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से संबंधित है। डोबेराइनर का त्रिक नियम से भी सवाल पूछा गया था, क्लियर नहीं है कि कौन सा सवाल था। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? रवि कुमार दहिया को दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा गया है कि क्या है? ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज 25 तारीख को, इनको भी देखिए। भारत में मराठी भाषा का स्थान क्या है? तो चौथे स्थान पर है। वॉशिंग सोडा का रॉ मटेरियल पूछा गया है कि क्या है, यानी किससे बनता है? तो देखिए सोडियम क्लोराइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा के हम लोग वॉशिंग सोडा का निर्माण कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर रॉ मटेरियल है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अगर वर्तमान में पूछा है तो अनिल खन्ना, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और इससे पहले जो थे वो थे नरेंद्र बत्रा, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अनिल खन्ना, पहले थे नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 21 ए क्या है? तो अनुच्छेद 21 ए के अंदर राज्य जो है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ये जो है निहित है। राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, 21 ए अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट से संबंधित एक सवाल था वहां पर कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या कुचालक, तो देखिए ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्या कहाँ होता है? पेंसिल बनाने के अंदर भी होता है, जो पेंसिल देख रहे हैं आप, पेंसिल की जो लीड होती है, ठीक है, जो ब्लैक कलर की आप देखते हैं, ग्रे कलर की, वो पेंसिल जो है ग्रेफाइट से ही बनाई जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बेरोजगारी दर से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, सवाल क्लियर नहीं है। अगर आप लोगों को सवाल याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चितरंजन दास को जाना जाता है देश बंधु के नाम से। इसके बाद है पंचायतों के वार्ड मेंबर का चुनाव कितने सालों के लिए होता है? तो वार्ड मेंबर का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। पंचायत का ही चुनाव जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो पंचायत के अंदर जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, ठीक है, वार्ड सदस्य हो, इन सब का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। परम कंप्यूटर को किस संस्था ने बनाया था, ये पूछा है। परम सुपर कंप्यूटर जो है उसको किस संस्था ने बनाया था? तो सी डेक जो संस्था है इसने बनाया था परम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गारो खासी जयंतिया किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय के, यहाँ पर देखिएगा, मेघालय में गारो खासी श्रृंखला में ये पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो है पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। एक सवाल और है, स्पर्म का फ्लो कैसे होता है, इसको हम लोग चार्ट के थ्रू देखेंगे। ये सवाल पूछा गया है कि शुक्राणु जो है उसका फ्लो कैसे होता है, ठीक है, उसके फ्लो के लिए चार्ट शायद दिया गया था। तो देखिए टेस्टिकल, जिसको हम लोग कहते हैं वृषण, यहाँ से ये फ्लो करता है, इसी में ये जो है वो इसका निर्माण रहता है। और यहाँ से ये फ्लो जब करता है तो ये टेस्टिकल जो है, पहले टेस्टिकल से निकल करके वैस डिफरेंस में आता है, और उसके बाद जो है यूरेथ्रा, उसके बाद ये चला जाता है कहाँ, सेमिनल वेसल में। सेमिनल वेसल आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से निकलने के बाद ये सेमिनल वेसल में जाता है, और यहाँ सेमिनल वेसल है, यहाँ आने के बाद यहाँ से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, यानी प्रोस्टेट के थ्रू जो है वो निकलता है, और फिर लास्ट में यूरेथ्रा के माध्यम से इसका जो है वो इजैकुलेशन होता है। यहाँ इजैकुलेशन डक्टरी है जिसके माध्यम से ये इजैकुलेट करता है, और ये यूरेथ्रा होकर के, यानी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होकर के यूरेथ्रा के पास आता है, और फिर ये यही इसका जो है पाथवे है, यानी स्पर्म का पूरा फ्लो है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।